So hi, welcome to Beginners to Master UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy Learning App. यहाँ मिलेगा आपको daily live classes, structured course, live test, unlimited access. Unacademy provide करता है आपको इंडिया के top most educator. अब हम चलिए बात करते हैं Unacademy subscriptions के बारे में, ठीक है? तो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 साल का, तो उसकी वैसे कॉस्ट है 64,000, बट आलोक YT कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो टोटल कॉस्टिंग पड़ेगी वो आपको पड़ेगी 57,600. सो प्लीज़ यूज़ दिस कोड आलोक YT, और इस सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हैं तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी UPSC के लिए, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर्स इन करंट अफेयर एंड GSE. हम अपने कोर्स ओवरव्यू की अब हम बात करते हैं. जो हमारा कोर्स चल रहा है इसमें हम देख क्या रहे हैं, हम डेली के करंट अफेयर के MCQ करते हैं और अलग से GK जनरल नॉलेज के अलग से MCQ करते हैं, ठीक है? तो GK वाले में अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? तो हम इस तरीके से चल रहे हैं कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका कुछ ना कुछ तो GK भी चलता रहे, ठीक है? तो ऐसा होगा कि काफ़ी दिन जब आप करंट अफेयर लगातार देखते रहेंगे और इसके साथ साथ अब आपकी GK खत्म होती रहेगी साथ साथ में, ठीक है? तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा साथ में, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे डेली करंट अफेयर और GK के MCQ, जिनके डिटेल डिस्कशन करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर रखना है उन्हें भी रखेंगे, ठीक है? और ये बेनिफिशियल रहेगा सभी UPSC और अदर एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए. चलिए आज हम देखेंगे 21 जुलाई के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई टू सॉल्व दिस. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे. चलिए ये रिसेंटली ही न्यूज़ में था, ठीक है? तो चलिए आपको सबसे पहले फाइंड करना है इसमें कि करेक्ट ऑप्शन निकालना है आपको, ठीक है? किसके बारे में क्वेश्चन है, ओपन एक्सेस पावर यूजर्स के बारे में, ठीक है? तो इसमें ये पूछ रहा है कि पहला पॉइंट ये कहता है कि ओपन एक्सेस जो होता है, पावर यूजर्स होते हैं, वो अलाउ करता है किसको, लार्ज यूजर्स ऑफ पावर, जो बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन करते हैं और तकरीबन ये 100 मेगावाट की बिजली का यूज़ करते हैं, ठीक है? 100 मेगावाट. तो ये 100 मेगावाट तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी टर्म होगी, और इसी तरीके से यहाँ पे खेला जाता है. 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, कुछ भी वैल्यू बदल देंगे. 50,000 करोड़ है तो 500,000 करोड़ कर देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो गलत है, ठीक है? तो राइट स्टेटमेंट क्या है आपकी, ये वाली, द ओपन एक्सेस बायर डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन मोर एक्सपेंसिव ग्रिड. तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर इज ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने करंट अफेयर का, ठीक है? ये रिसेंट के करंट अफेयर हैं. आपको बताना क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है? इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इससे रिलेटेड, कैप्टिव प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है? इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. चलिए तो हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. कैप्टिव प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है. तो कैप्टिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, अ ग्रुप कैप्टिव स्कीम इज वेयर समवन डेवलप्स अ पावर प्रोजेक्ट फॉर कलेक्टिव यूजेजेस ऑफ मैनी कमर्शियल कंज्यूमर्स. तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है? तो सही स्टेटमेंट ये है. तो इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी है. एट प्रेजेंट अ पावर प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ कैप्टिव इफ कंज्यूमिंग एंटिटी और entities consume at least 51% of power generated and owns 75% stake in the equity. ये गलत है, ठीक है? 75% नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आपकी जो incorrect statement है वो है second. तो इसलिए आपका जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा second का B, ठीक है? चलिए ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है इसलिए इसकी टेंशन मत लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा. इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी B, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें क्या बात कर रहा है. ओपन एक्सेस पावर यूजर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? ओपन एक्सेस पावर यूजर्स मीन क्या है, इसमें ये मतलब होता है कि ओपन एक्सेस पावर यूजर वो होते हैं जो बहुत सारी बिजली यूज़ करते हैं, तकरीबन 1 मेगावाट की, ठीक है? और कहाँ से लेते हैं ये लोग, ओपन मार्केट से लेते हैं. अब ये इनको क्या होता है, इन्हें एक्सपेंसिव ग्रिड जो होती है, ग्रिड जो होती है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अभी क्या हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो टैरिफ चार्जेस थे ओपन एक्सेस के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के, उसके दाम बढ़ा दिए हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कहा इसके दाम अब कम हो रहे हैं तो हम दाम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आगे देखते हैं, ठीक?
तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बट मेन अब हम आते हैं कैप्टिव प्रोजेक्ट के बारे में कि कैप्टिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो कैप्टिव प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पर डेवलपर्स जो होते हैं पावर प्लांट को डेवलप करते हैं फॉर कलेक्टिव यूजेस, ठीक है, और क्या करते हैं उसका कमर्शियल कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ये आता है कि एंटिटीज़ जो होती हैं वो 51% कम से कम खुद यूज़ कर लें और 26% उनके पास इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब देखिए इसमें चैलेंजेस के बारे में बात की है कि ये कितने तक का पड़ता है, इसकी जो वैल्यू पड़ती है वो 2.5 से लेके 5 रुपये पर यूनिट के आसपास पड़ती है, कौन सी, ओपन एक्सेस रूट से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। मेनली जो मेन बेसिक पॉइंट निकल रहा था वो हमने कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द करेक्ट इशू रिगार्डिंग माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सर, माइग्रेंट वर्कर के ऊपर इशू है ये पूरा का पूरा। चलिए तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर आपको फाइंड करनी है तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि टोटल लेबर जो है उसमें 91% जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, तो ठीक है ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। दूसरी देखते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2005 में ये नहीं आया था, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। तो सेकंड गलत है, ये गया, ठीक है, और पहली सही है, तो अपने आप ही डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 जो है वो मर्ज करेगा, करने जा रहा है 13 लेबर लॉस को इन अ सिंगल लॉ, ठीक है, और उसमें ये इंटर स्टेट माइग्रेंट जो वर्कर हैं, ठीक है, इस एक्ट को भी जोड़ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी डी हो जाएगी, ठीक है। तो वही है पूरा का पूरा कि देखिए अभी जो कोविड के समय पूरा टाइम चल रहा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा कि 91% इनफॉर्मल वर्कर है, मतलब किसी तरीके की इन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है एम्प्लॉयर द्वारा, ठीक है, तो अभी इनके लाइवलीहुड से लेकर बाकी सब चीज़ों की दिक्कत हो गई है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है, ठीक है, वो कब आया था, 1979 में आया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है 2019 ये 13 लॉस लेबर लॉस को मर्ज कर रहा है और इसमें क्या हो रहा है ये वाला भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है गिग इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, कि इसमें से गिग इकोनॉमी के रिलेटेड कौन से पॉइंट सही है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है, कारण क्या है कि बहुत सारे जो हमारे वर्कर जो फिक्स मतलब परमानेंट जो एम्प्लॉय थे किसी भी कंपनी या किसी में, उन सबकी जॉब जा रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम किस में काम कर रहे हैं, अब एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं उसे क्या कहते हैं, गिग इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करिए। चलिए तो गिग इकोनॉमी का पहला पॉइंट देखते हैं कि वर्ड जो गिग है ये इंक्लूड क्या करता है, करंट पार्सल्स ऑफ फ्रीलांसर्स, तो फ्रीलांसर्स इंक्लूड करता है, तो ये सही पॉइंट है, ठीक है, सारे फ्रीलांसर्स इसमें आ जाते हैं, ऊबर हुआ, जोमेटो हुआ, सब क्या है फ्रीलांसर काम है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिग इकोनॉमी इज कंफाइंड टू लो स्किल्ड जॉब्स ओनली, केवल लो स्किल्ड जॉब्स के लिए रिलेटेड है, नहीं इसमें हाई स्किल भी होती है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत है तो बी गया और डी गया, बचा केवल ये, तो ए तो पहले से ही पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, अब बची थर्ड स्टेटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, गिग इकॉनमी इंक्रीजेज एम्प्लॉई वल्नरेबिलिटी, हाँ ये एक बात सही है, क्योंकि उसे किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड होता है, तो ये तो दिक्कत हो ही जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट पॉइंट क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है, फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। चलिए तो उसी से सारा रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सभी फ्रीलांसर्स जोमेटो वोमेटो सब इसी में आ गए, लो स्किल के साथ साथ हाई स्किल भी इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए अब एम्प्लॉय की वल्नरेबिलिटी इसमें बढ़ा देती है ये, ठीक है, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी फोकस किया है गिग इकॉनमी के ऊपर, ये सब पॉइंट था, ठीक है। चलिए अब FATF के ऊपर ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में रहा ये कि क्या करेक्ट है इसके बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो पहला है FATF इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है वो इंटर गवर्नमेंटल है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कब फॉर्म हुई, 1989 में फॉर्म हुई थी कि नहीं हुई थी,
G7 का इनिशिएटिव था कि नहीं था, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ती है कि नहीं लड़ती है। तो आप देखिए, इंटर गवर्नमेंटल के बदले इसके कुछ लिख देगा, केवल US लिख दिया, लेड बाय US, या फिर 1989 के बदले 19 या 2007 कर दिया, कुछ भी ऑप्शन बदल दिया। G7 के बदले इनिशिएटिव कर दिया इसने कि ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, या फिर ये G20 का इनिशिएटिव है। तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से ये पॉइंट बदल देगा, बट ये सारे पॉइंट यहाँ पे सही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और हम ये पहले भी कर चुके हैं, FATF का जो सेक्रेटेरिएट है OECD में है, ठीक है, और OECD कहाँ पे है, पेरिस में है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो पहली दूसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूरेशियन ग्रुप ऑफ कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, EAG के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। रिसेंटली इसकी अभी मीटिंग हुई है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलिए तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं कि इंडिया ने अटेंड किया है 32nd जो है, इसे 32nd के बदले वो 35th कर देगा या फिर फर्स्ट कर देगा, ऐसी कुछ कर देगा, ठीक है। 32nd सबमिट किया है इसका, ठीक है, किससे इससे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से जो लड़ती है ये ऑर्गेनाइजेशन EAG का, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करंट में था। और ये जो रीजनल बॉडी है इसमें 9 countries हैं, क्या है, एक तो ये रीजनल बॉडी है और इसमें 9 countries है, तो रीजनल बॉडी के बदले यहाँ पे क्या कर सकता है वो, क्या नाम है कर देगा, इंटरनेशनल बॉडी है, या फिर कुछ ऐसा कर देगा, 9 countries के बदले क्या देगा, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है, या फिर बोल देगा केवल 50 countries हैं, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देगा इसका। तो बट ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट कि ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि इंडिया तो मेंबर है ही, रशिया मेंबर है, चाइना मेंबर है, कजाकिस्तान मेंबर है, किर्गिस्तान मेंबर है, तजाकिस्तान मेंबर है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान मेंबर है, बट ध्यान रखिएगा पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर आप हटा देते हैं तो सी गया, डी गया और ए गया, ठीक है, तो बचा आपके पास बी स्टेटमेंट, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, FATF से ही रिलेटेड, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें कि ग्रे लिस्ट क्या होती है FATF में और ब्लैक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। FATF क्या करती है, कुछ कंट्रीज को जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कर रही होती है उन्हें ग्रे लिस्ट में रखती है और ब्लैक लिस्ट में रखती है, जिसके बाद क्या होता है उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी तरीके की फंडिंग नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आपको ये बताना है इसमें कि ग्रे लिस्ट क्या होती है और ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्री रखी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ग्रे लिस्ट में वो कंट्री होती है, द ब्लैक लिस्टेड नाउ कॉल्ड एज कॉल ऑफ एक्शन वॉज कॉमन शॉर्ट हैंडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द FATF लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ टेररिज्म। तो ये इसके बाद में कह रहा है, और ब्लैक लिस्ट में कह रहा है कंट्रीज दैट कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर द सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे करना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मेन आप समझिए यहाँ पे क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट असल में उल्टी हैं, ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए तो 32nd सबमिट हुआ है EAG का, ठीक है। तो FATF कब बनी थी, 1989 में बनी थी, G7 का इनिशिएटिव था, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, OECD में है, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। चलिए और इसकी जो मीटिंग होती है वो 12 months के रोटेशन में होती रहती है, प्रेसिडेंसी इसकी रोटेट करती रहती है। 37 अभी मेंबर्स हैं टोटल इसमें, ठीक है। इंडिया देखिए, इंडिया इसका जो मेंबर बना वो कब बना, 2006 में बना और 2010 में कंप्लीट मेंबर बना, ठीक है। चलिए चलिए अब EAG के बारे में देखते हैं, ठीक है। EAG एक तो ऑर्गन है किसका, FATF के अंडर ही आ जाती है, ठीक है। अब ये रीजनल बॉडी है, 9 countries हैं इसमें, देखिए 9 countries कौन सी हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और लास्ट में पाकिस्तान के बदले पाकिस्तान था, यहाँ पे क्या है, बेलारूस है, ठीक है। एसोसिएटेड मेंबर है FATF का, ठीक है। FATF किससे लड़ती है, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ती है और टेरर फाइनेंसिंग से लड़ती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की। तो ब्लैक लिस्ट वही स्टेटमेंट सीधी सीधी आपके सामने उल्टी करके दे दी थी वहाँ पे, और ये ग्रे लिस्ट जो है ये यहाँ पे सामने सामने आपके पास दी हुई है। मेनली आप ध्यान रखिएगा, ग्रे लिस्ट एक तरीके से वार्निंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने,
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। अब ये इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, सीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको थोड़ा यहाँ से अंदाज़ा रहेगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी इंटरनेशनल या फिर किसी रीजनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसमें मोर देन 80 मेंबर्स हैं, इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और इसमें कोई भी मेंबर आउटसाइड एशिया का नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट केवल ए है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दे रहा है मोर देन, एक्यूरेट नहीं पूछते कि यूपीएससी एकदम एक्यूरेट नहीं पूछने आता कि इतने एकदम एक्यूरेट हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर का लेटेस्ट एकदम ताज़ा रस भरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 750 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया है कोविड से लड़ने के लिए, कोविड 19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। अब ये किसके साथ किया है जिसमें ये इंडिया को पैसा मिलेगा इससे लड़ने के लिए, ठीक है। कौन सा बैंक इसे क्या करेगा, फाइनेंस कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। चलिए तो यही पूरी की पूरी बात है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द फर्स्ट एवर बजट सपोर्ट प्रोग्राम बाय AIIB टू इंडिया, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। AIIB के बारे में जब पहले UPSC ने पूछ लिया तो इतने पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बट कहीं पे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे भी सकता है, ठीक है। मल्टीलेटरल बैंक है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सोशो इकोनॉमिक आउटकम एशिया के लिए काम करता है और ऑपरेशन है जनवरी 2016 से, ठीक है। टोटल जो है मेंबर 102 तक पहुंच चुके हैं और सबसे ज़्यादा ये ब्रेन चाइल्ड किसका है, चाइना का ही सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी सीएससी 2019 में पूछा और आज के दिन का ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे बन गया जो पिछले साल पूछा गया था, ठीक है, 21 जून से रिलेटेड, तो आज 21, तो ये क्वेश्चन पिछले साल का 21 जून का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कि 21 जून को सन कहाँ पे होगा, सूर्य कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सूर्य देवता होंगे डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकल ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो बंधु लोगों, ये तो किसी हालात में नहीं हो सकता। जून में तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, सूरज इस तरफ होता है, ठीक है, इस तरफ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नून में इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है, ठीक है। चलो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। तो बस यही है, आज का दिन यही है, तो पूरा दिन इसी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस निकलेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जून 21 से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन किसके बारे में, रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स के बारे में बताना है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स। चलिए तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज्योग्राफी से बेसिकली ये लिंक करता है, ठीक है, बट क्या है जब करंट अफेयर आप पढ़ते चलें तो जो भी उसी टाइम के दिन की चीज़ें हों तो उसे आप स्टैटिक के साथ लिंक कर दें, तो हमेशा करंट अफेयर और स्टैटिक को लिंक करके चलिए, ठीक है। जब आप दोनों को लिंक करके चलते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसान बन जाती हैं, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपके पास कि जो ये है ये हर 21 जून को होता है, एवरी सेकेंड ईयर नहीं एवरी ईयर, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। लॉन्गेस्ट डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, गलत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। और थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एबल टू व्यू द कम्प्लीट टोटल सोलर इक्लिप्स, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाले नहीं देख पाते हैं, केवल जो एकदम सेंटर में होंगे इसके, ठीक है, उस वही देख पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, पीपल स्टैंडिंग एट इन द अम्ब्रा, ठीक है, सी द टोटल इक्लिप्स एंड दो स्टैंडिंग एट पिनाम्ब्रा सी पार्शल इक्लिप्स, ठीक है। तो ये अब आ गया ज्योग्राफी स्टैटिक एकदम पूरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। अभी आगे देखेंगे हम लोग इनके बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कीजिए, फाइंड द करेक्ट अबाउट समर सॉलिस्टस, समर सॉलिस्टस के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। चलिए
अब देखिए समर सॉलिस्टस मतलब क्या होता है, इसमें अर्थ जो होती है, ठीक है, अर्थ के जो पोल होते हैं मैक्सिमम टिल्ट होते हैं सन की तरफ, ठीक है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, दो बार होता है, एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। चलिए तो यही है सोलर इक्लिप्स, आपको पता ही है कि जब सन है और बीच में मून आ गया और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। जो रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स होता है 21 जून को होता है, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक, में देखने को मिलेगा, मतलब पूरे इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्गेस्ट डे होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, अब नासा ने इसमें ये कहा है कि पीपल हु आर एबल टू व्यू द टोटल सोलर इक्लिप्स आर एट द सेंटर ऑफ द मून शेडो, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वही पिनाम्ब्रा और आम्ब्रा वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीन तरीके के इक्लिप्स होते हैं, टोटल होता है और पार्शियल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बात देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। एनुलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है, जो ये होता रहता है 21 तारीख को, ठीक है, इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर भी, ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब नासा ने यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू नासा क्या है, अगर आप आम्ब्रा पे हैं तो आप क्या देखेंगे, टोटल इक्लिप्स देखेंगे, अगर आप पिनाम्ब्रा पे हैं तो आप क्या देखेंगे, पार्शियल इक्लिप्स देखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब यहाँ से इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ पे समझाना, अब यहाँ पे समझते हैं इसको, देखिए इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ये 21 जून की तारीख है और यहाँ पे जो हमारा ये देखिए अर्थ का जो टिल्ट है वो सन की तरफ मैक्सिमम है, ठीक है, 20-21 जून को कभी भी आता है, मैक्सिमम 21 जून को ही आता है, ठीक है। तो इस तरफ पूरा का पूरा झुका हुआ है, ये पूरा का पूरा टिल्ट, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सॉलिस्टस। सेम इसी तरीके से दिसंबर में यहाँ पे चले जाइए तो विंटर सॉलिस्टस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो था वो सॉलिस्टस के ऊपर था, ठीक है, तो थोड़ा वहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, सॉलिस्टस के ऊपर था, ठीक। तो ये दिसंबर में यहाँ पे वापस बन जाएगा और ये दोनों टाइम आपका क्या बनता है, इक्विनॉक्स बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, इक्विनॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है 21 जून को और यहाँ पे बनता है 21 दिसंबर को, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब होता है रिंग ऑफ फायर वाला तो ये कैसे बनता है, इस तरीके का कुछ आपको सन और इसके बीच में दिखाई देगा, मून के बीच में, ठीक है। तो ये आप अर्थ का देख सकते हैं, रोटेशन इस तरीके से कर रहा है मून और एकदम से आता है तो इस तरीके से आपका इक्लिप्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पिनाम्ब्रा और इसे देख लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ सोलर इक्लिप्स देखते हैं। पिनाम्ब्रा में देखिए जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कवर है, देखिए इतना ज़्यादा पोर्शन कवर है, और आम्ब्रा में जो पोर्शन कवर है वो इतना इतना कवर है, तो यहाँ पे जो बंदा होगा वो टोटल सोलर इक्लिप्स देख पाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 13वां क्वेश्चन सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरा करंट अफेयर का ही है। आपको बताना है हॉर्सशू क्रैब के बारे में, हॉर्सशू क्रैब्स ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इनका कि फर्स्ट एवर इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे जो है वो 20 जून 2020 को मनाया जा रहा है और इनका लार्जेस्ट हैबिटेट है वो गुजरात में है, और तीसरा हॉर्सशू क्रैब है वो मरीन एंड बैकिश वाटर एंथ्रापोड्स हैं, और लास्ट में है ये किल किए जाते हैं अपने मेडिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, मेडिकल एप्लीकेशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, गुजरात में नहीं है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो 1, 3 और 4, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इंडिया हॉर्सशू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आता है, सबकी डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे कि इंडियन हॉर्सशू क्रैब जो हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में किस में आते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं, डाटा इनसफिशेंट में, एंडेंजर्ड में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, या फिर वल्नरेबल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा अलग अलग कंट्री के अलग अलग हॉर्सशू क्रैब्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन हॉर्सशू क्रैब्स की, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका डाटा इनसफिशेंट, ठीक है, तो डाटा इनसफिशेंट है, पता ही नहीं है भाई कितने हैं कितने नहीं हैं। चलिए ये ऐसा कुछ दिखता है आपका हॉर्सशू क्रैब, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और अपने मेडिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये मारे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडिया में फर्स्ट हॉर्सशू क्रैब डे मनाया जा रहा है 20 जून को, ठीक है, और इंडिया का जो स्टेटस है वो डाटा इनसफिशेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, दे आर नॉट ट्रू क्रैब्स, ट्रू क्रैब्स क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, ये क्या है, एंथ्रापोडा है, ये बात आप थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर ज़्यादा थोड़ा बायोलॉजी में घुस गया तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन गलत करवा देगा, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई, ये एक पॉइंट जान लीजिए, ठीक है।
और उसके बाद ये मेडिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, देखिए मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होते हैं मेडिसिन के लिए, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा किलिंग्स होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ही ध्यान रखने होते हैं, पूरा सब कुछ नहीं ध्यान रखना होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आर्कटिक ओशन से रिलेटेड है कि आर्कटिक ओशन को एज अ ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है, इससे आपको रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, कि क्यों ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तीनों ऑप्शन देख के। ये थोड़ा भी, ये भी फिर से थोड़ा ज्योग्राफी का आ गया, ठीक है, डाउन टू अर्थ का है ये आर्टिकल, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है इसमें। पहला ऑप्शन है विजिबल डिफरेंस दिखता है हमें आइस और वाटर के बीच में, एकदम सही है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ग्लोबल टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ आइस अराउंड, ये भी पता चलता है, एकदम सही है। और यहाँ पे हमें कितनी आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, विटनेस ऑफ आइस मेल्ट इट रिफ्लेक्ट सनलाइट बैक इनटू द स्पेस दस कूलिंग, ठीक है। तो वाइटनेस की बात हो रही है, अगर जितना ज़्यादा वाइट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाइट ये वापस भेजेगा और उतनी ज़्यादा गर्मी कम पड़ेगी आप पे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ये तीनों पॉइंट सही हैं, ये यूज है किसका, आर्कटिक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मोज़ैक के बारे में ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि मोज़ैक एक्सपेडिशन जो है ये कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आर्कटिक जो था वो न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना, तो ये सामने आ गया, मैंने खुद ही आपको बता ही दिया आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक ओशन में एक्सपेडिशन ये चलाया जा रहा है रिसर्च के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी आंसर करेक्ट है। पॉलिस्ट्रीन समटाइम्स सीन इन न्यूज़, ये क्या है, अब आपको ये बताना है, ठीक है। इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि पॉलिस्ट्रीन क्या है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, आइस ब्रेकर है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर कोई वैक्सीन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको, पॉलिस्ट्रीन क्या है, पोलर स्टर्न है, ठीक है। तो पोलर स्टर्न क्या है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो करेक्ट आंसर होगा इसका, ये एक आइस ब्रेकर है, क्या है, आइस ब्रेकर बंदू, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका वैसा ही कुछ, ठीक है। देखिए हम सारा इशू जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें आर्कटिक जो एरिया है हमारा अर्थ का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस और वहाँ पे आइस और वाटर के कवर से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइस सेट टू, क्रायोसेट टू और थिकनेस ऑफ आइस, इन तीन चीज़ों के ऊपर ये पॉइंट बना हुआ है, सब आर्कटिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉइंट है। आइस सेट टू जो है अमेरिकन क्राफ्ट है और ये लेज़र एल्टीमीटर का इस्तेमाल करता है और रिकॉर्ड करता है हाई अबव सी लेवल ऑफ टॉप स्नो ओवर राइड्स द आइस, ठीक है। तो ठीक है, आइस की रिकॉर्डिंग करता है कितनी ज़्यादा मोटी परत है, तो ये सही है। क्रायोसेट जो है यूरोपियन है, ठीक है, यूरोपियन एजेंसी का है, ठीक है, और पेनिट्रेट कर जाता है स्नो के बीनीथ और ये पता करता है आइस की शेल्फ जो है वो कितनी है, कितनी ज़्यादा आइस है, आइस की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थिकनेस ऑफ आइस इन अ पर्टिकुलर प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड अप्लाइंग पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज टू मैक्सिमम ऑफ आइस एंड स्नो, ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग द थिकनेस ऑफ द स्नो। तो ये सारा का सारा इसमें पूछा गया है पास्कल लॉ से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ नहीं है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये थर्ड पॉइंट जो है आपका ये गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ए, ठीक है। तो वही बात करते हैं, पॉलिस्ट्रीन क्या है भाई, पॉलिस्टर्न क्या है, ये एक आइस ब्रेकर है, क्या है, एक आइस ब्रेकर है, आर्कटिक ओशन में काम कर रहा है, ठीक है, रिसर्च रिलेटेड काम कर रहा है, ठीक है, कि उससे क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं सब कुछ वो सब देख रहा है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलता है कि इसे ड्राइवर क्यों कहा जाता है क्लाइमेट चेंज का, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आइस और वाटर के बीच में साफ साफ डिफरेंस देखने को मिलता है। ग्लोबल टेम्परेचर अमाउंट ऑफ आइस से पता चल जाता है, ठीक है, और कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं इसे भी पता चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, इसे ड्राइवर क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है विटनेस ऑफ आइस जो होती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है सनलाइट को, ठीक है, और जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। डार्क ओपन वाटर जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, लाइट को, तो ज़्यादा हीटिंग होगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट आपके सामने हैं, ठीक है। अब आर्कटिक आइस के बारे में बात करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, सैटेलाइट के थ्रू होती है, दो सैटेलाइट मेन है, ठीक है, एक तो आई सेट टू और एक
क्रायो सेट टू, तो ये दोनों पॉइंट वहाँ पे मैंने करा दिए, ये अमेरिकन है ये यूरोपियन है। आइस की कितनी मोटाई है, कितनी परत है, उसके बारे में ये काम देखते हैं। और थिकनेस ऑफ आइस हम किससे पता करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कर लिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो ये मेज़र करते हैं दोनों सेटेलाइट, इससे सही मेजरिंग होती नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टोपोग्राफी जो है आर्कटिक की, उसमें आइस कैसे मैटर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे समर्स में के कारण, समर्स में बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेचेस और क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत बड़े टूटे टूटे ऐसे गत्थे जो होते हैं आइस के, वो जाने लगते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है लीड्स। ठीक है, लीड्स ऑफ शिप, ठीक है, ऐसे बहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा, लीड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आइस मेल्ट जो हो रही है, कि रिजेस जो हैं, ठीक है, रिजेस यानी गड्ढे जो पड़ जाते हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों लेके जाते हैं, तो ये किस तरीके से करते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा ये ऊपर चढ़ेंगे एक दूसरे के, तो मोटाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मोटाई जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके कारण जो आइस है वो उतनी कम स्लो मेल्ट होगी। ठीक है, तो ये कुछ इनके पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी सब यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कर लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा वहाँ पे सीड ऑफ डस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बदले ये सब मिलते हैं, तो उसके कारण जो रेन होती है वहाँ पे वो अलग तरीके की होती है, जिसके कारण क्या होते हैं आपके ये रिजेस जो है बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पॉलिस्ट्रीन है, पोलर टर्न जो है ये है, ये आपका शिप है। ठीक है, रिसर्च शिप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये है क्या, ये है जर्मन रिसर्च व्हीकल है, ये आपको ध्यान रखना है, जर्मन रिसर्च व्हीकल है। ठीक है, और क्या करेगा, पोलर विंटर्स में जाके वहाँ पे सब कुछ देखेगा। अब मोजेक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जर्मनी की एक इंस्टीट्यूट है उसका है। ठीक है, और आर्कटिक एक्सपीडिशन हिस्ट्री उसके बारे में पूरी की पूरी चीज़ें ये देखेगा। ठीक है, अब ये स्टडी करेगा नॉर्थ पोल पे। ठीक है, पूरी की पूरी, और उसके बाद जो भी वहाँ पे वेदर कंडीशन और जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को ये देखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नासा का नहीं है, इसरो का नहीं है, किसी का नहीं है, जर्मनी की इस इंस्टीट्यूट का है, अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए, फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, जो क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में बन सकता था वो सब मैंने सारे पॉइंट्स करा दिए, बाकी सब आप देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नर्चरिंग इकोनॉमी से रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, कि नर्चरिंग इकोनॉमी क्या है। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन आएंगे नर्चरिंग इकोनॉमी में। इन्वॉल्व करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिल्डिंग अ सोसाइटी ऑफ सेकुलर इंक्लूसिव एंड नर्चरिंग सोसाइटी, जहाँ पे रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर फील जो है वो सब एक वांटेड एट अ होम, घर जैसी फीलिंग हो। ठीक है, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा, ग्रीन इकोनॉमी की बात करेगा, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी की बात करेगा, कल्चर की बात करेगा। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखिए यही है नर्चरिंग ऑफ इकोनॉमी की भी जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है। ठीक है, अपने घर गए, पैदल पैदल नौकरी चलेगी, सब कुछ चलेगी, इसलिए हमें नर्चरिंग इकोनॉमी की ज़रूरत है। ठीक है, तो नर्चरिंग इकोनॉमी का ये कॉन्सेप्ट गांधी जी जो है उनका तिलिस्म जो है उसमें भी बात की है, जॉन रॉल्स ने भी आइडिया उनके में भी ये बात हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक, चलिए, अब तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यभामा पोर्टल जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कि सत्यभामा पोर्टल क्या है। चलिए, तो पहला है कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कोई भी ऐसा पोर्टल होता है किसने लॉन्च किया है, क्या काम करेगा, किस चीज से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सत्यभामा पोर्टल सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया, तो गलत पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च नहीं किया, तो फर्स्ट उड़ गया, तो फर्स्ट उड़ा तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन क्या बन जाता है, सी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत जो है उसमें माइनिंग में एडवांसमेंट लेके आएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड एक जो स्कीम चल रही है मिनिस्ट्री की उसी के अंडर है। ठीक है, और दूसरा है, इट विल प्रमोट रिसर्च इन जियो साइंस, माइनिंग और इन सब में। ठीक है, तो दोनों दूसरे और तीसरे पॉइंट दोनों सही है। ठीक है, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसे लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड है। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, करंट का ही है ये भी आपके, इस तरीके से बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के सामने आएंगे, तो इसे थोड़ा आराम से ध्यान से, जैसे हम लोगों ने पॉइंटर्स बनाए हैं उसी तरीके से आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है भाई, ये तो ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पहली चीज़ ये आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताता है कि ओनली वन पेरेंट को अगर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और दूसरे को नहीं होती है, तो सिकल सेल ट्रेट कहा जाता है, और सिकल सेल जो डे है ये बनाया जाता है 19 जून को। ये दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स आपके सामने हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है गलत है, ये ब्लड से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल नहीं है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी, ठीक है। चलिए, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो सिकल सेल किससे रिलेटेड है, एक ये ब्लड डिसऑर्डर है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें बात ये होती है, ठीक है, अगर वन पेरेंट को है, ठीक है, प्रॉब्लम जीन में, ठीक है, तो चाइल्ड विल नॉट हैव सिम्टम्स बट विल हैव क्या होगा, सिकल सेल ट्रेट। मतलब दोनों पेरेंट्स को होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, दोनों पेरेंट्स को ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा किसमें, ट्राइबल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा ये फैली हुई है, ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस में, ठीक है। अब इस पर देखिए सिकल सेल में होता क्या है, जो ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, वो स्टिकी हो जाता है, ठीक है, और उसका शेप जो होता है, शेप भी थोड़ा बदल जाता है, ठीक है। तो स्मॉलर ब्लड वेसल्स में जाके क्या करते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो उसके सर्कुलेशन ब्लड की रोक देते हैं, जिसके कारण सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक जाती है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगह पे इसे देखने की प्रॉब्लम मिल जाती है, ठीक है। चलिए, और एक तरीके की जेनेटिक डिसीज है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड सिकल सेल डे कब बनाया जाता है, 19 जून को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम केयर फंड और पीएम एनआरएफ फंड के ऊपर है, ठीक है। इससे करेक्ट स्टेटमेंट आप फाइंड करके बताइए कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट दे रहा है ये आपको कि दोनों फंड जो हैं वो कब लॉन्च हुए, 2019 में लॉन्च हुए, और दोनों ही पब्लिक अथॉरिटी नहीं आते, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 के एक्ट के अंडर। तो करेक्ट आंसर आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, बोथ फंड 2009 में लॉन्च हुए हैं, 2019 में लॉन्च हुए हैं, गलत है, आपको पता ही है बहुत पुराना है, ठीक है, 48 का है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 के अंदर, 2009 नहीं 2005, दोनों ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, समझ में आगे बात। तो ये न्यूज़ में किस लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना भी फंड आपके पास इसमें पीएम केयर फंड में है उसको एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और इसके ऊपर रिलेटेड हम पहले से भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, ठीक है, कि पीएम स्वनिधि क्या है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है पीएम स्वनिधि जो है लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, और दूसरा है इसका ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना रियल इस्टेट डेवलपर्स को, ताकि वो जितने उनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उन्हें क्या कर सके, उन्हें आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पीएम स्वनिधि का, तो देखिए जो ये रियल स्टेट डेवलपर्स को नहीं दिया जा रहा है, ये पैसा किनको जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, 23 का हो जाएगा क्या, ए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीएम स्वनिधि किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, वर्किंग कैपिटल स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, ठीक है, बाकी सब चीज़ें इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग कि ये क्या है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंटर है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करनी है, और ये क्या है, प्रीवियसली इसे बैंकॉक एग्रीमेंट कहा जाता था, साइन हुआ था 1975 में, और ये सारे इसके करंट मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब पूरे नहीं, कुछ मेंबर्स ये भी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। तो पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो एकदम सही है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट केवल क्या है, वन सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन न्यूज़ में किसके था कि चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारा ट्रैफिक एग्जम्पशन दे रहा है बांग्लादेश को, ठीक है। तो ये किसके अंडर, एग्रीमेंट के अंदर, पहले से बहुत ज़्यादा मिली हुई एपीटीए एग्रीमेंट के अंदर। तो एपीटीए एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, बैंकॉक एग्रीमेंट भी कहा जाता है, साइन हुआ था 1975 में, एशिया पैसिफिक रीजन में काम करता है, और करंट कंट्रीज कौन सी, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओ, पीडीआर, श्रीलंका, मंगोलिया। देखिए मंगोलिया अभी फुल टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो करंट मेंबर्स आपके सामने ये रहे सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25वां है, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। मेघालय में अभी बहुत ज़्यादा भयंकर इशू चला है बीजेपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
ये स्टैटिक है क्वालिटी का, ठीक है, सीधा सीधा स्टैटिक से बना के आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा, क्योंकि जो अगर न्यूज़ में होती है तो उससे क्या पूछेगा, सीधा स्टैटिक से ही रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, तो फर्स्ट से 10th शेड्यूल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1985 बाय 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये एकदम सही है, 10th शेड्यूल इसी से एक्ट किया गया था। और 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू क्या कर दिया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट ये गलत है, 15% तो सेकंड गलत है, तो केवल क्या सही है, ए सही है। तो 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। चलिए, तो यही है, बीजेपी में क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी चल गई है पूरी की पूरी, बीजेपी के कुछ MLA छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस में जाने के लिए, तो उसी से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए, 91st अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब आया था, 2003 में आया था, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। 15% से ज़्यादा क्या नहीं हो सकते, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, जो पहले हमने पूरा पढ़ लिया, अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन वापस आपके सामने है, सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड, ठीक है। तो सारे पॉइंटर्स मैंने पढ़ा दिए थे वहाँ पे, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिकल सेल डिसीज, चलिए, तो क्या है, पहला डिसऑर्डर है जिससे क्या इफेक्ट हेमोग्लोबिन को करेगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल को करेगा। तो क्या करेगा, इससे एक हेमोग्लोबिन एस करके होता है, ठीक है, उससे क्या होगा, सिकल होगा और ये अपना शेप बदल लेता है, ठीक है। सारे पॉइंट ये सही है, उसमें पढ़ेंगे तो आप मिल जाएगा, बट थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनीमिया ले आएगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ले आएगा, तो ये सब इसके पॉइंट गलत हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट गलत है, तो पहला और सेकंड पॉइंट सही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आए, इक्लिप्स हमने किया है जस्ट अभी, तो वापस आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो पहला है सोलर इक्लिप्स होगा, जब मून आ जाएगा तो सोलर इक्लिप्स बना देगा, ठीक है। दूसरा है कि जो शेडो है, ठीक है, वो डार्कर होगी यहाँ पे और लेस डार्कर होगी यहाँ पे, तो ये दोनों उल्टे कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला गलत है, तो करेक्ट आंसर 27वें का हो जाएगा आपका, 27 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट है 30वां, नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिविल सर्विस बोर्ड, एक दिन पहले हमने इससे रिलेटेड पूरे पॉइंट्स किए थे, तो उसी का क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा सिविल सर्विस बोर्ड ऑफ इंडिया, और चीफ मिनिस्टर हेड करेगा स्टेट का जो होगा सिविल सर्विस बोर्ड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो चलिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, दोनों आपकी बोथ हैं, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास फिर से क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख की हिस्ट्री के ऊपर पूरा का पूरा हम लोग एक दिन पहले ही पूरी क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 29th क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि लद्दाख जो था वो ऑलवेज तिब्बत का था जब तक ब्रिटिश ने उसे 1845 में एक्वायर नहीं किया। नहीं, इससे पहले बहुत लोगों ने उसे एक्वायर किया था, ठीक है, सिखों ने भी किया था, ठीक है, एक्वायरिंग की हुआ था, तो ये खत्म है काम, ये तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रीटी ऑफ चौशॉल जो थी वो ब्रिटिश के बीच में हुई थी और चाइना के बीच में हुई थी, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी काम खत्म है। तो क्या है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर क्या, नाइदर है, तो 29 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ चौसॉल जो है वो किसके बीच में हुई थी। अब ये क्वेश्चन वापस आपके सामने आ गया, इंडिया चाइना के बीच में, ब्रिटिश और चाइना के बीच में, इंडिया ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, किसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो हमने जस्ट पिछले दिन की क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, वापस ही आपके सामने रखा गया है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, चारों में से, ए बी सी डी में से, डी, नन ऑफ द अबव, सिख और चाइना के बीच में हुई थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिन्होंने भी थोड़ी सी भी अगर ढंग से क्लास देखी होगी पिछली, तो उसे आराम से कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, गिग इकोनॉमी, अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे पूरा डिस्कस किया है, तो वापस वही है, ठीक है, ताकि देखते हैं आप लोगों ने क्लास कितने अच्छे से की है, आप कुछ समझ पाएंगे। चलिए देखिए, पहला पॉइंट कहता है फ्रीलांसर जॉब पे ये बेस्ड है, दूसरा कहता है कि इसमें इनकम जो है कंसिस्टेंट नहीं होती है,
और ये बढ़ता इसलिए जा रहा है, इंटरनेट ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए इंटरनेट की एक्सेस ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए ये बढ़ती जा रही है इकोनॉमी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके सामने, और यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे आपके, सही होंगे, सीधी सीधी स्टेटमेंट दिख रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा ऐसा बेसिक सा भी पूछा जाता है, मतलब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ना कि फैक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 32, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड बताया, मणिपुर वाला पूरा केस है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, ठीक है, रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो उसमें कुछ ग्राउंड मेंशन है एक्सेप्शनल, तो वहाँ पे डिफेक्शन लागू नहीं होता, तो उनमें से कौन से इस पे लागू नहीं होते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 32वें का डी हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया एकदम। चलो करेक्ट आंसर क्या है, 32वें का डी। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोगों ने जस्ट पहले अभी किया, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका। कि इंडिया चाइना बोथ मेंबर हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं 33 का करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ये हमें बताना है। तो ठीक है, इंडिया चाइना दोनों मेंबर और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए काम करता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, तो बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, ठीक है। अब देखते हैं 34th क्वेश्चन आपके सामने है, क्रोकोडाइल स्पीशीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पिछले दिन का करंट अफेयर जो हमने किया था उसमें ये पूरा का पूरा पॉइंट मैंने कराया था, तो वहीं से ये क्वेश्चन यहाँ पे सामने बन के आया। तो प्लीज़ पुराने लेक्चर्स जितने हैं उन्हें भी देखते रहिए, ठीक है, अगर उन्हें नहीं देखेंगे तो आगे उनके क्वेश्चंस लगातार आते रहेंगे, तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो आप ही को दिक्कत होगी। पुराने जितने लेक्चर्स डले हुए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मतलब देख लीजिए उन्हें। चलिए, तो क्रोकोडाइल स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें केवल घड़ियाल स्पीशीज है जो इंडिया में मिलती है, नहीं, तीनों मिलते हैं, मगर भी मिलता है, सॉल्ट वाटर भी मिलता है, और प्रोटेक्शन 1972 के अंडर दी हुई है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ओनली 34 का क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड है, अभी जस्ट किया तो वापस सामने आ गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बना के आपके सामने दे दिए गए हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी रह ना जाए जो आपको याद ना हो, तो सिकल सेल डिसीज से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो ये पहली चीज़ इसमें आती है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटो इम्यून कहाँ है, तो जेनेटिक है, ऑटो इम्यून नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये करते हैं ब्लड सेल, ये तो ठीक है, और ये क्या होता है, जो ब्लड का शेप होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, क्रेसेंट शेप का हो जाता है, हाफ मून शेप का हो जाता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 35 का क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सत्यभामा पोर्टल जो है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, किसने लॉन्च किया सत्यभामा पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, तो हमने जस्ट अभी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने से लॉन्च किया है, ठीक है, तो 36 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 37th क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, उसमें क्या एम रखा गया है, तो जस्ट हमने पीछे भी देखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम जो रिलेटेड है सत्यभामा जिसमें पोर्टल है उसमें क्या करने की बात हो रही है, क्या करा जाएगा, तो वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे कराए हैं, तो अगर ढंग से देखा होगा तो आप कर लेंगे दोनों को क्वेश्चन आराम से, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि स्कीम जो है इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कोलैबोरेशन के साथ करिए, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब कहाँ से बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसमें क्या करेगी, एकेडमिक और ये सब वो सब करेगी पूरी पूरी इसरो के साथ, ये सब कुछ है ही नहीं, तो नाइदर 1 और 2, ठीक है, वहाँ तो हमें मालूम है आत्मनिर्भर बनाना है माइन सेक्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 38th क्वेश्चन आपके सामने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड, देखिए हम लोग जितने भी करंट अफेयर करते आ रहे हैं उससे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन साथ साथ में चलती रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 38th क्वेश्चन, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। और ये पॉइंट कराया हुआ था, तो पिछली वीडियोस प्लीज़ देखिए, पिछली वीडियोस में ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चंस जितने भी बनाए हैं मैंने उस हिसाब से, तो आप देखेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है, वो ईच मेंबर में रोटेट होती है, हर ईयर में नहीं, मंथली, हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो एक बार देखिए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंसी और रोटेट होती है परमानेंट नॉन परमानेंट दोनों के बीच में, ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 38 का क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 39th क्वेश्चन है, फिर से ये पुरानी वीडियो से ही क्वेश्चन है, तो पुरानी वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, 38th क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि पंचशील जो है 1964 ने 54 में किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन 39 का आपको निकालना है, इनकरेक्ट ऑप्शन निकाल के बताइए 39 का। क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन से रिलेटेड वापस ये क्वेश्चन आ गया। चलिए देखते हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च इन 1975 इन डिफरेंट स्टेट, जो भावला जो प्रोजेक्ट है वो दंगामल में लॉन्च किया गया, उरिया टर्म है। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए दंगामल इज इन भीतरकनिका सेंचुरी, तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए वापस, घड़ियाल और उसके रिलेटेड आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि घड़ियाल जो है और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल जो है वो नेटिव हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, और इनका स्मॉल रिलीज पॉपुलेशन आपको मिलेगी सतकोशी जॉर्ज सेंचुरी में कर्नाटका में। ठीक है, तो चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो 40 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पहला जो है वो तो सही है। ठीक है, अब जो सेकेंड है सतकोशी जो है ये गलत दिया, ये उड़ीसा में है ना कि कर्नाटका में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सब ये पुरानी वीडियोस से क्वेश्चन बनाए गए हैं वापस आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, 41 का क्या आंसर होगा करेक्ट। तो पेंगोलिन के बारे में है, ये क्या है, ओनली स्केली मैमल है प्लैनेट पे, और साइट्स में मोस्ट साइट्स के द्वारा ये मोस्टली इलीगल ट्रेडेड वर्टिब्रेट है। ठीक है, विद इन अ क्लास ऑफ मेमेलिया, अब मेमेलिया के बदले यहाँ पे एंथ्रापोडा कर देता, कुछ भी कर देता, तो क्वेश्चन अलग बदल जाता। ठीक है, कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट के बदले यहाँ पे इनवर्टिब्रेट कर दे, तो ये बायोलॉजी की थोड़ी टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बोथ ए एंड वन एंड टू करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, तो ये हमने पिछले वीडियोज में किया था कि थोड़ा यूएस को इससे दिक्कत हो गई है, इंडिया यूएस इसकी अथॉरिटी ऐसे ही नहीं मानते, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने पुरानी वीडियो अच्छे से देखी है, नोट्स पढ़े हैं अच्छे से, ठीक है, तो फिर आप इसे आराम से कर लेंगे, वरना इन क्वेश्चंस को आप आराम से गलत करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आता है कि ये एक टेम्परेरी जुडिशियल बॉडी है, 1998 में बनाई गई थी रोम में। सबका ध्यान जाएगा कि 1998 ईयर सही है क्या नहीं है, रोम सही है क्या नहीं है, जुडिशियल बॉडी है कि नहीं है, बट किसी का ध्यान टेम्परेरी पर नहीं जाएगा। ठीक है, परमानेंट बॉडी है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, हेग नीदरलैंड में ही हेडक्वार्टर है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, चलिए अब 43 क्वेश्चन आपके सामने है एमपी लैड स्कीम से रिलेटेड, इसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, पूरा का पूरा इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा, पहली चीज आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो पहला इसमें एमपी लैड में क्या कह रहा है कि एमपी जो है सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 5 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दूसरा कहता है इलेक्टेड मेंबर जो होता है पार्लियामेंट का, वो अपना पैसा कहीं पे भी स्टेट में खर्च कर सकता है, किसी भी स्टेट में अपनी पसंद के। तो ये इलेक्टेड नहीं, ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही करेगा, ऊपर यही तो बता रहा है बंधु। तो सेकेंड स्टेटमेंट हुआ गलत बात, तो ए करेक्ट आंसर बा। ठीक है, चलिए ए नहीं बी, सॉरी इनकरेक्ट बतानी है तो बी करेक्ट, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, लद्दाख गालवन वैली, ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग करते आ रहे हैं, तो इसे वापस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन बन के आपके सामने है। ठीक है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, दोनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है।
गालवन रिवर जो है फ्लो करती है डिस्प्यूटेड स्काई चिन रीजन से लद्दाख रीजन में। ये हम पहले भी एक ऑप्शन में मैं आपको पहले भी ये दे चुका हूँ, और ये ओरिजिनेट करती है ईस्टर्न साइड ऑफ काराकोरम रेंज, ज्वाइन करती है शोक को जो ट्रिब्यूटरी है इंडस को। मैं पहले भी आपको यहाँ इंडस के बदले एक क्वेश्चन करा दिखा चुका हूँ जिसमें मैंने सतलुज ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, और पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ जिसमें ये जो गालवन रिवर का फ्लो है ये वाला जो ओरिजिनल फ्लो है इसे मैंने उल्टा करके दिया हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपकी रिविजन अच्छी होती रहेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो नन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं पूरा, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है, इसके ऊपर हमने पूरा डिस्कशन पहले किया हुआ है। तो अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है, ताकि आप आगे जितने भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे फिर पुराने रिविजन्स कराते रहेंगे, क्वेश्चंस पूरी तरीके से बदल देंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो पहले हो चुके हैं उनको बदल के नए तरीके से पूछेंगे, ठीक है, और उसमें क्या है नए पॉइंट्स ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए तो यूनाइटेड नेशन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है, सोल नॉन लीगली बाइंडिंग, ये नॉन लीगली नहीं है, लीगली बाइंडिंग है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है कन्वेंशन एड्रेस टू एरिड सेमी एरिड ड्राई एरिड ड्राई लैंड और सम वनरेबल इकोसिस्टम, तो ठीक है बी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रीटी ऑफ शगौली से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ यांदाबू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए पहला पॉइंटर ये कहता है, करेक्ट ऑप्शन निकालना है आपको, ट्रीटी ऑफ शगौली हुई थी 1816 में नेपाल और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, और एंग्लो नेपाल वॉर इसने ख़त्म की, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कहता है आपसे कि क्या नाम है, ट्रीटी ऑफ यांदाबू जो है वो हुई थी एंग्लो चाइनीज वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, 46 का क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 47th क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इनकरेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है, क्या निकालना है इनकरेक्ट, और आपको बताना है वैक्सीन नेशनलिज्म, इसके ऊपर पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। और साथ में आपको ये बताना है कि वैक्सीन नेशनलिज्म इज़ यूजफुल टू इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म अकर होता है व्हेन जब कंट्री सिक्योर करती है अपने रेसिडेंट्स के लिए दवाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड वाले में ये कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये हमने पता किया था, ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 47 का हो जाएगा ए, चलिए सॉरी इनकरेक्ट बताना है तो 47 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 48, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इंस्टीट्यूट और बायोवेंटिंग के बारे में, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इंस्टीट्यूट क्या होता है और बायोवेंटिंग क्या होती है। इसे हमने सॉल्व किया था पिछले क्लास में, हम लोगों ने इसे पूरा डिस्कस किया था कि बायोवेंटिंग बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। चलिए तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल आउट ऑफ द साइट, नहीं ये गलत है, ठीक है, उसी साइट पे किया जाता है। और बायोवेंटिंग जो है सप्लाई ऑफ द एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल टू कंटेमिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया, तो सेकंड वाला सही है, मतलब 48 का बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से बायो रिएक्टर और कंपोस्टिंग के बारे में, ये सारे पॉइंट वहीं से निकाल के आए हैं, तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आराम से आप कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं वीडियो देखी है, तो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आगे चल के भी इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो बायो रिएक्टर्स के बारे में इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, और बायो रिएक्टर्स से रिलेटेड है और कंपोस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन दोनों में से देखते हैं, बायो रिएक्टर इन्वॉल्व करता है प्रोसेसिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल मटेरियल और वाटर थ्रू इंजीनियर कंटेमिनेटेड सिस्टम, और कंपोस्टिंग का है नेचुरल प्रोसेस बाय रिसाइकलिंग द कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू रिच सॉइल नोन एज कंपोस्ट, तो ठीक है इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 50 क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिस्प्यूट देखा ही था, उससे रिलेटेड पूरे पॉइंट्स किए थे पिछली क्लास में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने में है, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट जो है, ठीक है,
इसमें क्या किया था इसने, हॉस्टैलिटीज़ जो थी कोरियन वॉर की उसे ख़त्म कर दिया 1953 में ये आई, ठीक है, और इसमें हॉस्टैलिटीज़ को एंड कर दिया, ठीक है, फाइनली पीसफुल सेटलमेंट लेके ये आई जो भी है, मतलब उन्होंने बॉर्डर तो कम से कम बना दिया 38 पैरेलल जो हमने पिछली क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ AN 1 एंड 2, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, इसे आप पूरी तरीके से खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए टाइमर अप हो गया, तो 51 का करेक्ट आंसर है आपका बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, बी, बायो आर्ग्यूमेंटिंग जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड साइज टू इन्हेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस, ये गलत है, बायो आर्ग्यूमेंटेशन नहीं है, बायो स्पेयरिंग एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आपकी आ गई, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो तो हमने खत्म कर लिए, ठीक है। अब हम अपने जीके के सेक्शन में आ जाते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं उसे देखते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे मोटिव है उसे आप समझिए कि हमारा एम क्या है इस सीरीज से, कि देखिए आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं, रोज एमसीक्यू कर रहे हैं, और वो इस तरीके से कर रहे हैं कि वो पूरे के पूरे तरीके से कंप्लीट है, मतलब आपके लिए संपूर्ण तरीके से एकदम हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत खास नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा प्री के हिसाब से तकरीबन, ठीक है, तकरीबन क्या पूरी तरीके से, तो कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट हम लोग साथ साथ में क्या करेंगे कि एमसीक्यूज करते चल रहे हैं अभी, किसके एक एक टॉपिक वाइज से। तो जैसे अभी हम लोग एंशिएंट के करते चल रहे हैं, और अभी हम लोग कर रहे हैं केवल वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक है। तो वन लाइनर फॉर्म में शुरुआत में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो वन लाइनर के फॉर्म में ही पहले पूछ दिए। तो वन लाइनर फॉर्म में जो बाकी नाम जो दिए होते हैं ऑप्शंस में, वो भी कुछ जान पहचान के नाम होते हैं, तो उन सब नाम्स में कन्फ्यूजन आ जाता है नेम्स में, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वन लाइनर का फायदा ये रहेगा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम एंशियंट्स के ढेर सारे एमसीक्यू कर लेंगे जितने भी होंगे, ठीक है, तो इसे अब अभी हम लोग फर्स्ट सेट वन चला रहे हैं, ठीक है। फिर सेट टू करेंगे, जितने भी सेट इसमें बन पाएंगे उतने सेट बनाते रहेंगे, और पूरे एमसीक्यू जब खत्म कर लेंगे वन लाइनर के हम लोग एंशियंट के, फिर उसके बाद हम एंशियंट के देखेंगे बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एंशिएंट को पूरी तरीके से बैठ के पढ़ लेंगे। इसी सेम सीरीज़ में ये चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप रोज़ इस सीरीज़ को देखते रहेंगे तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका करंट अफेयर भी कवर होता जा रहा है, साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी एक तरफ से कवर हो रहा है, ठीक है। मतलब आप जो अलग से पढ़ रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, बट एक तरफ से अलग से ये भी आप करते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ता चल रहा हूँ और आप इसे सॉल्व करते चलिए, ठीक है, और मैं आपको करेक्ट आंसर बताता चलूँगा, आप देखते चलिएगा आपका करेक्ट आंसर है क्या, ठीक है। तो 126 कहता है कि रिलीजियस मूवमेंट जो थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में, उसे किसने लेड किया था, शूद्रास ने, क्षत्रियास ने, या फिर उसके बाद वैश्य ने, या ब्राह्मण्स ने। तो इसे किसने किया था, क्षत्रियास ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 127 आता है, हु 125 हम लोग पहले कर चुके हैं, तो 26 से ऊपर हम लोग कर रहे हैं, किसे फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया कहा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो ऋग्वेद है, साइलेंट फीचर ऑफ ऋग्वेद रिलीजन वॉज वर्कशिप ऑफ, ठीक है, क्या था, नेचर का, पशुपति का, त्रिमूर्ति का, या मदर गॉडेस का, तो नेचर का, तो ऋग्वैदिक टाइम में नेचर की पूजा होती थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मणास किससे डील करते थे, ठीक है, भक्ति थ्योरी से, योगा से, रिचुअल से, या मेडिटेशन से, तो वो रिचुअलिज्म से डील करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड लॉस्ट इंपॉर्टेंस इन एज द फर्स्ट डायटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, तो लेटर वैदिक पीरियड के समय किसकी मान्यता खत्म हो गई, तो वरुण की मान्यता खत्म हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, ये रहा, वरुण की मान्यता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट 131 आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक, तो लेटर वैदिक के समय एनिमल गॉड कौन था, तो वो था कौन, रुद्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उन्हें कौन से जानवर के बारे में नहीं पता था, हॉर्स के बारे में नहीं पता था, घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट आता है आपका, अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वाइट किया तो तक्षशिला कौन रूल कर रहा था, तक्षशिला पे किसका रूल था, अंबिका रूल था, ठीक है। नेक्स्ट है 134 देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है, मोहनजोदड़ो में जो सील मिली है, सील क्या होती हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टैम्प, जब आपने वो ऋतिक रोशन वाली मूवी देखी होगी, ठीक है, कौन सी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो उसमें देखते हो
वो उसे जाता है ऊपर जाके एक सील सी दिखाता है, ठीक है, उसके पास एक सील होती है, ठीक है, तो वो सील होती है, ठीक है, तो वो किससे मैच करती है, जो मोहनजोदड़ो की है वो मैच करती है आपकी सुमेरियन जो सील्स होती है उनसे मैच करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 135, हड़प्पा जो है कमर्शियल रिलेशन किसके साथ थे, चाइना के साथ, जावा, मेसोपोटामिया, बर्मा के साथ, तो मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेगास्थनीस जो है वो ग्रीक एम्बेसडर है ऑफ द कोर्ट, किसके कोर्ट में भेजा गया था, तो वो भेजा गया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्र राक्षसा किसने लिखी है, तो मुद्र राक्षसा लिखी है विशाख दत्ता ने, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो किसके लिए मानी जाती है, तो वो मानी जाती है अपने टाउन प्लानिंग के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट है जो लैंग्वेज है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, तो किस लैंग्वेज ने बुद्धिज्म का स्प्रेड किया, तो पाली ने उसका स्प्रेड किया, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म का मेन कारण क्या था, करप्शन जो था वो मेन कारण था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्री रत्ना ऑफ जैनिज्म, तो डी ऑप्शन इसमें सॉरी गायब हो गया है, ठीक है, स्लाइड में से, तो आपको PDF में मिल जाएगा। तो लास्ट क्या है, क्रिएटर, ठीक है, तो ये तीन थे, लास्ट क्या है आपका क्रिएटर, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्रिएटर, साइड से निकल गया वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 142 आपके सामने आता है, 142 में पूछता है हड़प्पा डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ, किसका यूज़ नहीं जानते थे, हमें पता ही आयरन का यूज़ नहीं, आयरन का यूज़ नहीं जानते थे, अजाविकास वर, तो अजाविकास क्या है, मोनेस्टिक सेट है, सेट ऑफ ब्राह्मिन बारबेरियंस है, सोल्जर्स हैं, स्पाइस हैं, क्या है, मोनेस्टिक सेक्ट है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रास वर डैश ड्यूरिंग द मौर्यन, तो ओके धम्म महामात्रास, सॉरी धम्म महामात्रास हैं, तो धम्म महामात्रास क्या थे, ये ऑफिशियल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शुंगास थे, ठीक है, उनका जो किसका रिवाइवल किया था, शुंगास ने रिवाइवल किसका किया था, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल किया था, वो मेन क्या थे, हार्ड कोर पूरे ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से ग्रामर लिखने वाला कौन था, ठीक है, तो ग्रामर वाला कौन बंदा है भाई, यहाँ पे पतंजलि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अग्निमित्रा जो हीरो है, ठीक है, वो कालिदास के किस उसका है, क्या नाम है, बुक का है, तो वो है पोइट्री का है, तो वो है मालविका मित्रम का है, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मालविका मित्रम। नेक्स्ट है कानव डायनेस्टी किसने बनाई, वासुदेव ने बनाई। नेक्स्ट है खारवेल ऑफ किंग जो है वो किसका फॉलोअर था, वो जैनिज्म का फॉलोअर था। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ खारवेल किंग जो था उसकी कैपिटल क्या थी, उसकी कैपिटल थी काली नंग नागारा, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्यन जो है उसके अंदर जो उसके प्रोविंस थे वो किसके अंडर आते थे, प्रिंस के अंडर आते थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ए बेनोवेनेंट डेस्पोट था। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर की माता जी कौन सी थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, अपना सारनाथ में दिया, और बुद्धा ने अपना निर्वाण कहाँ लिया, कुशीनगर में लिया। नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसका जो आपको देखने को मिलता है एडिक्ट, वो कहाँ पे मिलता है देखने के लिए, वो आपको सारनाथ में देखने के लिए मिलता है। और कौटिल्य का इसमें से नाम क्या नहीं है, कौटिल्य का नाम देवपुत्र नाम नहीं है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और धर्म दंडचर्य, ये तीनों नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य कहाँ से थे, तक्षशिला से थे। नेक्स्ट है ओशन ऑफ विजडम किसे कहा गया है, ओशन ऑफ विजडम किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके जातक टेल्स को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्लव सॉरी चाणक्य को किसे कहा गया है, बुद्धा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ओशन ऑफ विजडम, इसमें जातक टेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा रूलर वॉज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, गंडोपेनिसम, ठीक है, नाम ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं थोड़े साउथ के, ठीक है, गंडोपेनिस, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुराने नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है सम सेंट थॉमस डाइड एट मार्टायर एट, कहाँ पे इनके शहीद हुए ये, तो ये हुए आपके मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुशान किंग वॉज अज्यूम द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द होल्ड वर्ल्ड, तो होल्ड वर्ल्ड का टाइटल कैटफिडिस सेकंड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ कनिष्क एम्पायर, तो कनिष्क एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी आपकी पेशावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 164 आपके सामने, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई कुंडल वन में हुई। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर जो सन था फिलिप सेकंड का वो कहाँ का था, मैसिडोनिया का था, ठीक है। नेक्स्ट है 166 पोरस जो है डिफीट हुआ किस बैटल में, तो हाइपेडिस जो बैटल थी, सी ऑप्शन जो है हाइपेडिस, इस बैटल में डील हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 167 अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड एट, कहाँ पे मौत हुई थी, तो उसकी मौत जो हुई थी वो बेबलॉन में, सॉरी उसकी मौत हाँ बेबलॉन में ही हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए बेबलॉन को उसने बाद में जीत लिया था, ठीक है, और आपने एक मूवी है अलेक्जेंडर द ग्रेट उसे देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और हिस्ट्री की बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, तो आप वो मूवी देख लीजिए, बड़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट है
मोनोलिथिक इमेज जो है जेन सेंट की गोमितेश्वर, वो कहाँ पे मिलती है? वो है श्रावण बेला में, ठीक है, श्रावण बेला गोला में, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। तो जैन टेम्पल जो है वो सबसे ज़्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेस जैन टेम्पल सिटी, तो जैन टेम्पल सिटी किसे कहा जाता है? गिरनार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर की जो माता जी थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है त्रिशिला, क्या है? त्रिशिला। नेक्स्ट है, भाषा ने कौन सी बुक लिखी थी? तो भाषा ने लिखी थी स्वप्न वस्व वदत्ता, ठीक है, इतना लंबा चौड़ी बुक लिख दी थी, नाम ही इतना बड़ा लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, महावंशा, शकुंतला और बुद्ध चरित, ये तीनों नहीं लिखी थी, तो इसलिए ये वाली लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 172 आपके सामने आता है, तो द मॉन्क हु चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ चले गए, ठीक है, तो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बंदा जो है मेडिसिन से एसोसिएटेड नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था भाई? भास्कराचार्य जो है वो एसोसिएटेड नहीं थे। नेक्स्ट है, 174, मेगास्थेनिस ने किसको सक्सीड किया था एज एम्बेसडर? तो उसने डमाइकस को सक्सीड किया था। नेक्स्ट है, सका एरा जो है, ठीक है, जो आपका कैलेंडर है सका एरा पे ही है, ठीक है, तो इसे किसने चालू किया था? तो इसने लागू किया था कनिष्क ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जो इंडो ग्रीक राजा है जो बुद्धिज्म फॉलो करता है बाद में आगे चल के बहुत फेमस, वो कौन है? मियांडर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, कनिष्क वॉज फॉलोअर ऑफ, कनिष्क किसका फॉलोअर था? महायान बुद्धिज्म का फॉलोअर था, ठीक है। नेक्स्ट है, 178, जो शुंगा रूलर भागा था उसने एक मोनोलिथिक गरुड़ बनाया था कहाँ पे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेस्ट नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करना है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है, 179th का, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है, 3421, ठीक है, 3 कौटिल, 4 एम्बेसडर, 2 अशोका बिम्बिसार उपगुप्त, ठीक है, मगध किंग, ठीक है, 3412, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 180 देखते हैं, सामने क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सामवेद, अथर्वेद, पुराना और उपनिषद, तो सामवेद किससे रिलेटेड है? म्यूजिकल से रिलेटेड है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 तो केवल इसमें दिख रहा है, तो ये हो गया काम खत्म, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग कर दिया कीजिए। वर्धमान महावीर की मौत कहाँ पे हुई? ठीक है, तो ये हुई आपकी कहाँ पे? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र जो है गंगा पे बनी, ठीक है, दूसरी रिवर कौन सी थी? तो दूसरी रिवर है सोन, ठीक है। नेक्स्ट है, नंदा डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था? तो महापद्म नंद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर को ट्रेन किसने किया था? तो किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 185 आता है आपके सामने, इंडिया का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो हमें पता ही है, कौटिल्य को कहा जाता है, हमने पहले ही क्वेश्चन कर रखा है। नेक्स्ट है, 186 आता है कि इनमें से कौन सा मेन पोर्ट है इंडिया का? ठीक है, तो थप इंडस वैली वालों का, तो वो है लोथल, ठीक है। नेक्स्ट है, 187, इंडस पीपल जो थे वो किसकी वर्कशिप करते थे? गॉडेस की, इंदिरा की, वरुण की, तो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? तो कुंडल ग्राम में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिम्बिसार ने किसको सक्सीड, वॉज सक्सीडेड बाय, किसे सक्सीड किया था? अजात शत्रु ने सक्सीड किया था। नेक्स्ट है, आर्यन टर्म क्या डिनोट करती है? एक इथनिक ग्रुप डिनोट करती है। नेक्स्ट है, 191, इसे हम फास्ट ही रखेंगे, ठीक है, ताकि बस आपको क्वेश्चंस देखते रहने कि ये सब इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। 191, अलेक्जेंडर जो है वो घर वापस गया, ठीक है, तो किसके एडमिरल के अंडर छोड़ के गया? ठीक है, तो ये देखना है आपको, नियारकस के अंडर। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र सिंह जो है वो क्या था? वो एक हिंदू था, तो हमने पहले ही देख लिया कि शुंगा डायनेस्टी पूरी हिंदुइज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सिल्वर का सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो करेक्ट आंसर इज बी, चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। चलिए 194 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पावरफुल सिटी जो थी 6th century BC के सामने, देखिए मगध तो दिया नहीं, तो कौन आपकी हो जाएगी मोस्ट पावरफुल? आपकी डी मगध ही है, ठीक है, कौन है? मगध, मोस्ट पावरफुल तो मगध ही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अनदर नेम ऑफ पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? तो सी है आपका कुसुमपुरा, ठीक है, कुसुमापुरा। नेक्स्ट है, अमित्रघात जो है वो किसे कहा गया है? ठीक है, ग्रीक्स ने किसे कहा है अमित्रघात? तो वो कहा गया है बिंदुसार को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 197, फाउंडर ऑफ अर्केमेनियन एम्पायर कौन था? तो वो था साइरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 198, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिलीजन ऑफ द एंशियंट तमिल? तो तमिल्स में क्या देखा जाता है? सी आपका वर्कशिप ऑफ मुर्गन, ठीक है, वर्कशिप ऑफ मुर्गन। चलिए नेक्स्ट है, 199 देखते हैं, मोस्ट पावरफुल चेरा रूलर कौन था? ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल चेरा रूलर कौन था? आपका सेंगुवेटम, ठीक है। और लास्ट में है, पटनी देवी जो मंदिर है वो किसने बनवाया? पटनी देवी मंदिर जो है वो बनवाया आपके किसने?
उदयन जराल ने, ठीक है, उदयन जराल ने, ठीक है। सो ये हो गया आपका लास्ट। सो दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय चैनल रिलैक्सिंग स्टडी, यहाँ पे आपको बाकी सब मटेरियल मिल जाएगा। एंड यू कैन यूज़ माय कोड आलोक वाईटी, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जुड़े रहिए आगे।